आप सबको मेरा प्रणाम। कुंडलिनी जागरण सीरीज में आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ भाग में स्थित है। कंठ की जो भी ऊर्जाएं काम करती हैं उन सब के पीछे विशुद्धि चक्र का ही मूल कार्य है। तो विशुद्धि चक्र को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके एक्टिवेट होने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए आपको अपने विशुद्धि चक्र पर धारणा करनी होगी और धारणा के साथ साथ आपको ओम का उच्चारण करेंगे। ओम हमारा वैदिक महामंत्र है और ओम को जब हम उच्चारित करते हैं तो अ, उ और मय की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब हम विशुद्धि चक्र के जागरण की बात करते हैं तो हमें उ की ध्वनि को अधिक लंबा करना होगा। उ का वाइब्रेशन हमारे अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र को प्रभावित करता है। पूरी वाइब्रेशन होगी और आपका विशुद्धि चक्र की एनर्जी जागृत होने लगेगी। देखिए, चक्र ये एक एनर्जी पुंज होते हैं। ये कोई सर्जरी करके आप यदि कोई चक्र निकाल लें, कोई अंग है, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जाओं का एक केंद्र है, ऊर्जाओं का एक पुंज होता है। तो इन्हें को जागृत किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, हमने भी इसको स्वयं अनुभूत किए और इन पर कुछ अपने अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। तो आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा जब जागृत हो जाती है तो आपके जो शब्द हैं उसमें एक माधुर्यता आ जाती है। आपकी आवाज़ सत्य ही होती है, आपके अंदर सत्यता घटित होने लगती है। जो आप अपने वाणी से बोलते हैं वो सत्य घटित होता है। ऐसा विशुद्धि चक्र का जागरण का सिद्धि है। तो विशुद्धि चक्र को जागृत करें ओम की सरल विधि से, नहीं तो और बहुत सारी दूसरी विधियां हैं जो बहुत तीव्रता से, स्ट्रॉन्ग पावरफुल तरीके से आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ योग की अलग अलग साधनाओं को करना होगा। उसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में ही ये साधनाएं करें। अपने आप इन साधनाओं को न करें, कहीं से पढ़कर या स्वयं कोई वीडियो देखकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे लाभ की जगह हानि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गुरु के सानिध्य में ही करें, किसी योग प्रशिक्षक, अच्छे गुरु के सानिध्य में करें जिसने स्वयं इनको अनुभूति की है। तो विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है और ये दोनों चक्र आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब जागृत होते हैं तो धीरे धीरे दोनों ही अपने आप जागृत हो जाते हैं। अनाहत और विशुद्धि चक्र दोनों का संबंध है, अलग अलग चक्रों का एक गहरा संबंध होता है। तो ये दो चक्र आपस में, इनकी शक्तियाँ कनेक्टेड रहती हैं। तो आप इन चक्रों को जागृत करें और अपने जीवन में अद्भुतता को अनुभव करें, परम शक्ति को प्राप्त करें। सामान्य से कुछ ऊपर उठकर आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्राण चक्र पर, कैसे आप प्राण चक्र को जागृत कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।